खबर है झज्जर से। हुड्डागढ़ कहे जाने वाले झज्जर जिले में केंद्रीय मंत्री राव रंजीत ने सेंध लगा दी है। हुड्डागढ़ में राव साहब ने जबरदस्ती रैली की रैली में जबरदस्ती तादाद में कार्यकर्ता व आमजन पहुंचे। हुड्डा साहब ने हुड्डागढ़ में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ये भी कहा जाता है कि राव साहब के साथ भिवानी से सांसद ने धर्मवीर सिंह पटौदी कोसली से विधायक भी मौजूद थे। उस दौरान राव साहब जमकर दहाड़े। सबसे पहले राव साहब ने सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर प्रहार करते हुए कहा कि अब प्रदेश में मैं मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो मुख्यमंत्री बनने के बाद नेता बने, बल्कि वो बने जो पहले नेता और फिर मुख्यमंत्री बने। राव साहब झज्जर के मुंडा हेड़ा गाँव में आयोजित रैली में दहाड़ रहे थे। राव साहब यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी प्रहार करते हुए कहा कि हमारे लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खट्टर साहब के कार्यालय में हरियाणा जातिवाद में बट गया। राव साहब ने कहा कि तीन टांग की कुर्सी पर जैसे कोई बैठ नहीं सकता, ऐसे ही दरार के बीच कोई सतह पर राज नहीं कर सकता। SYL पर भी CM को आड़े हत्थे लेते हुए कहा कि SYL को लेकर मुख्यमंत्री जी गंभीर नहीं है। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी SYL के विषय को लेकर मुलाकात करने के बात रख चुका था, लेकिन अफसोस मुख्यमंत्री जी ने रुचि नहीं दी। झज्जर से सुमित कुमार की स्पेशल रिपोर्ट।